कई सेकंड नहीं, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कि ट्रेन अभी कहां पर है, किस स्टेशन पर है, कहां पर खड़ी हुई है। अगर गाइस आप भी ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हो और आप ये जानना चाहते हो कि जिस भी हम ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं वो ट्रेन अभी कहाँ पर है, किस स्टेशन पर है और कहाँ पर खड़ी हुई है, तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि आप कैसे पता कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक वॉच करना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन का नाम है वेयर इज माई ट्रेन। तो आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है एप्लीकेशन को। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आपसे बोला जाता है कि आप इस एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज भी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को यूज करना है आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलो हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ सबमिट वाला, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आपसे बोला जाता है इस स्टेशन से इस स्टेशन तक। तो सिंपल सा आपको इधर पर ये लिखना है कि आपको जहाँ से भी जहाँ तक जाना है तो आपको फर्स्ट में लिखना है। जैसे कि मुझे जबलपुर से गाडरवाड़ा जाना है तो मैं फर्स्ट में लिखूँगा जबलपुर और सेकंड में लिखूँगा गाडरवाड़ा। तो चलो मैं इधर पर लिख देता हूँ। तो इधर पर हमने लिख दिया जबलपुर से गाडरवाड़ा, तो हमको जाना था जबलपुर से गाडरवाड़ा, तो हमने इधर पर टाइप कर दिया। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ ट्रेन ढूंढने का, तो आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको ट्रेन को ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और ऊपर की तरफ आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सभी तारीख का, तो आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आपको जब भी ट्रेन से जाना है तो आप, जैसे कि मुझे आज जाना तो मैं आज पर क्लिक करूंगा। अगर आपको कल जाना है ट्रेन से तो आपको आने वाला कल को सिलेक्ट करना है। चलो हमको आज ही जाना तो हम आज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और आपके सामने बहुत ज़्यादा ट्रेन वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी और आपको उन ट्रेन का टाइम भी देखने के लिए मिल जाएगा कि ये ट्रेन कब है और कितने बजे पहुँचाएगी, तो आपको उसका टाइम वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको जिस भी ट्रेन से जाना है तो आपको उस वाली ट्रेन को सिलेक्ट करना है। तो चलो हमने इस वाली ट्रेन से जाना, ये है 3:05 में और इधर पर इसका नाम है मुंबई, तो आप इधर पर मुंबई एक्सप्रेस, तो मैं इधर पर क्लिक कर देता हूँ। आपको जिस भी ट्रेन से जाना आपको उस वाली ट्रेन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने इधर पर ट्रेन दिखा दी जाएगी, ये ट्रेन कहाँ पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये वाली ट्रेन का लोगो सिंपल सा इधर पर है मेहरा पर, तो इधर पर मेहरा इधर पर एक स्टेशन है, तो ये उधर पर सिंपल सा आप रेड आइकन पर क्लिक करोगे तो इधर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ये मेहरा स्टेशन पर है। तो ये जब भी चलेगी और जहाँ पर भी रहेगी तो आप इस रेड वाले ऑप्शन में क्लिक करते रहोगे तो आपको बिल्कुल पूरी की पूरी अपडेट बताती रहेगी कि ये ट्रेन अभी कहाँ पर है, कितने समय में कितने किलोमीटर बचा हुआ है, कि किस स्टेशन में पहुंचने वाली है। तो आप पूरी की पूरी डिटेल पता कर सकते हो और इधर पर आप ये भी पता कर सकते हो कि ये किस किस स्टेशन से गुजरेगी और कहाँ के स्टेशन पर डायरेक्टली रुकेगी। तो इधर पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। सिंपल सा आप जैसे क्लिक करोगे इस स्टेशन पर तो देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेशन से यह गुजरेगी, उसके बाद इधर पर डायरेक्टली कटनी जंक्शन पर रुकेगी। तो देखो यार कुछ इसी तरह से आप पता कर सकते हो कि ट्रेन कहाँ पर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।